हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी छोटी सी दुनिया में। आज मेरी बेबी को हो गए हैं 1 महीने पूरे और आज मेरी बेबी का 1 महीने में फोटोशूट करवाना है। आज है 13 मार्च और आज मेरे बेटे को हो गए 1 मंथ। तो जैसे कि आज 13 अप्रैल है और आज मेरे बेबी को हो गए हैं 1 मंथ, तो आज हम अपने बेबी के 1 मंथ की फोटोग्राफी करेंगे। आजकल मॉडर्न कल्चर में 1 मंथ होता है तो फिर फोटो शूटिंग होती है। और विशेष हमारी विशेष तैयारी तो है नहीं, लेकिन घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं हम उन्हीं से फोटो शूट करेंगे इसका। देखते हैं कैसा होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे ही फोटो शूट करना और कमेंट में मुझे बता देना कि क्या क्या कमियां थी, ताकि मैं 2nd मंथ की फोटोग्राफी में उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। और मेरे क्यूट से बेबी के 1 मंथ की फोटोग्राफी के लिए मुझे करनी है तैयारियां। सबसे पहले मैं जाऊंगा मार्केट, उसके लिए नए कपड़े खरीदूंगा और फूल खरीदूंगा। बाद हम रखेंगे बेबी को आज धूप सेकने के लिए बाहर। आज 1 महीने कंप्लीट हो गए तो आज हम उसको धूप सेकाने के लिए ले जाएंगे बाहर। अभी मेरा बेबी सोया हुआ है। सुबह सुबह नहाने और मसाज के बाद ये गहरी नींद में सोता है और ये अभी सोया हुआ है, तो मैं इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं इसके फ़ोटोशूट की तैयारी करता हूँ। बेबी के फ़ोटोशूट के लिए कुछ बना रहा हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। इस पे मैं बनाऊँगा घड़ी जिसमें मैं 1 से 12 लिखूँगा। फाइनली मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बीच में हम बेबी को रखेंगे और उसकी फ़ोटो खींचेंगे। वैसे उतना खूबसूरत भी नहीं बना हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इसे बहुत खूबसूरत बनाने की। तो अब हम शुरू करते हैं फोटोग्राफी। बेबी कहाँ गया? मेरा बेबी तैयार हो चुका है। इसकी मम्मी ने इसको सुबह सुबह तैयार कर लिया है। और चलो बेबी, हम शोर फोटोग्राफी करेंगे। इसको मैंने खुद सिल के और खुद लिख के बनाया था, तो इससे हम इसकी पहली फोटोग्राफी इसी से शुरू करेंगे। दूसरा डिजाइन मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस गुलाब से, जिससे मैं आधा दिल बनाऊंगा और इसके बगल में बेबी को रखकर बेबी की फोटो खींचूंगा। और ये बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये मेरा प्यारा सा बेबी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस डिज़ाइन में। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, बस कुछ फूलों की ज़रूरत होगी बस। अभी एक मैंने सिंपली आइडिया अभी अभी सोचा, मेरे पास स्टेशनरी की चीज़ें थी तो मैंने सोचा उसी से कुछ फोटोग्राफी के लिए बनाऊं। मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब इस पे हम बेबी का फोटो शूट करेंगे। तो हमने एक नया सेटअप तैयार किया था जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कब से हम इसको यहाँ पर रख के फ़ोटो खींचने की सोच रहे हैं, पर ये बार बार रोने लग जा रहा है। अभी एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं। बेटा अभी जगा हुआ है, मैं अब इसकी फोटो खींचता हूँ। फाइनली हमारा शूटिंग खत्म हो चुका है और मैं पसीने से हालत ख़राब हो गई है। अभी देखते हैं कैसी फ़ोटो आई है, शाम को एडिट करके फिर मैं अपलोड करता हूँ और मिलते हैं बाद में। 1 मंथ कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में अभी हम काटेंगे केक और करेंगे एक छोटा सा सेलिब्रेशन। कहाँ गया बेबी?
अभी बेबी सोया है, तो थोड़ी देर में जैसे ही बेबी उठेगा तो हम फिर केक कटवाएंगे बेबी से। उसके 1 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। पार्टी की तैयारियां शुरू की जाए, जाइए कृपया बच्चे को लेके आइए प्लीज। तो जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट कर लिया है पार्टी पार्टी की तैयारी के लिए, जल्दी करना यार। अभी हम जाएंगे बेबी के पास। हमारी सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है, इससे फोटो खींचना। आ जाओ, चलो 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 चलो। ये हमारी सारी सेलिब्रेशन, सारी फोटोग्राफी हमारे बच्चे के लिए है। जब वो बड़ा होगा तो फिर देखेगा, अपने बचपन को एंजॉय करेगा वो भी हमारे साथ, जैसे कि हम उसके बचपन को एंजॉय कर रहे हैं, उसी प्रकार वो भी ऐसे ही खुशी मनाएगा अपने पुराने वीडियो को देख के। मैं बेबी को लाड़ में खाओ खाओ तो बोल रहा हूँ और खिलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बट मैं इसे खिला नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी इसका अन्नप्राशन होने में बहुत समय है। अभी इस लायक नहीं हो रखा है कि केक को बचा पाएगा। इसके फेस पे ज्यादा नहीं लगा सकते, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। बाय बाय दोस्तों, हम करते हैं पार्टी, मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में। बाय बाय तो बोल दो। बाय 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 बाय। थैंक यू दोस्तों हमारा साथ देने के लिए, और यूं ही ब्लॉग देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।